आज तारीख हो चुकी है 26 फरवरी। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, सभी आईपीएल टीमों को लेकर, इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज को लेकर कुल 8 बड़ी खबर है, 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा आखिर आज एक बार फिर से कौन सी 8 बड़ी खबर है और कौन से 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। तो ओवरऑल आईपीएल को लेकर, सभी आईपीएल टीमों को लेकर काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सभी 8 बड़ी खबरों की, तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है मुंबई इंडियंस की टीम को लेकर, दरअसल MI की टीम की। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 रिवील हो चुकी, पता चल चुका है कि आखिर जो 11 अप्रैल को MI और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला होगा, उस मुकाबले में किस तरीके की प्लेइंग 11 हमें MI की तरफ से देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इस टीम की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की, तो इनमें ओपनिंग में हमें रोहित शर्मा, क्विंटन डिको एक बार फिर से ओपन करते हुए दिखेंगे, जबकि मिडल ऑर्डर में नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव, नंबर 4 पर ईशान किशन, नंबर 5 पर इनके वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर कायरन पोलार्ड दिखेंगे। इसके बाद जो इस टीम का फिनिशिंग स्लॉट होगा, जो लोअर ऑर्डर होगा, वहां पर नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या, नंबर 7 पर कृणाल पांड्या दिखेंगे। इसके बाद जो इस टीम की टेल्स होगी, जो यहां पर 4 प्रॉपर गेंदबाज या फिर ऑलराउंडर्स होंगे, वहां पर नंबर 8 पर या तो कुल्डर नाइल या फिर एडम मिलने में से कोई एक प्लेयर होगा, जबकि नंबर 9 पर राहुल चेर, नंबर 10 पर ट्रेंट बोल्ट और नंबर 11 पर जसप्रीत बुमराह होंगे। तो कुछ इस तरीके से अब हमें MI की प्लेइंग 11 शुरुआती मैचों में देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर ऐसी यहां पर स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 इस टीम की एक बार फिर से हमें देखने को मिलेगी। वैसे आप कमेंट करके बताइए आप कल सुबह वाली वीडियो में कौन सी टीम की प्लेइंग 11 देखना चाहते हो, जिस भी टीम के रिगार्डिंग सबसे अधिक कमेंट होंगे उसी टीम की वीडियो आपको कल वाली मॉर्निंग वाली वीडियो में मिल जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, तो जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है RCB की तरफ से। दरअसल ऑक्शन के बाद जिन प्लेयर्स को RCB की टीम ने ऑक्शन में परचेस किया था, उन प्लेयर्स का यहाँ पर प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। जहाँ पर कल न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 मुकाबला खेला गया था, और इस दूसरे T20 मुकाबले में जहाँ पर मैक्सवेल को इस टीम ने 14 करोड़ से भी यहाँ पर एक्सपेंसिव प्राइस में परचेस किया था, उन्होंने 5 गेंदों में महज 3 रन की पारी खेली, 220 रन चेस करते हुए यहाँ पर मैक्सवेल इस मुकाबले में पूरी तरीके से फ्लॉप रहे थे। जबकि यहाँ पर 14-15 करोड़ में खरीदे गए काइल जेमिसन भी इस मुकाबले में पूरी तरीके से फ्लॉप रहे थे। 4 ओवर में 56 रन देने के बाद भी इनको कोई भी सफलता, कोई भी विकेट नहीं मिला था। कुल मिलाकर यहाँ पर RCB की टीम ने इस ऑक्शन में जिन 2 प्लेयर्स पर 29 करोड़ रुपए खर्च किए थे, वो दोनों प्लेयर्स कल पूरी तरीके से फ्लॉप रहे थे। हालांकि MI की टीम ने यहाँ पर जिमी निशम को इस ऑक्शन में उनकी बेस प्राइस 50 लाख में परचेस किया था, उन्होंने बल्ले और गेंद के साथ कल काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन RCB के दोनों प्लेयर्स फ्लॉप रहे थे। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर ये दोनों प्लेयर्स IPL में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे या फिर नहीं, या फिर आपके अकॉर्डिंग RCB की टीम ने यहाँ पर बड़ी गलती करी है, आप कमेंट जरूर करें। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की, तो जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है सुरेश रैना की तरफ से। दरअसल IPL 2021 के सीजन को लेकर अब सुरेश रैना ने अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी। आप स्क्रीन पर वीडियोस देख पा रहे होंगे, यहां पर गाजियाबाद में इनकी एकेडमी में आकर इन्होंने यहां पर IPL की तैयारियां शुरू कर दी। IPL से पहले अब ये कोई भी यहां पर मैच या फिर कोई भी टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे, इसी वजह से अपनी एकेडमी में आकर अब इन्होंने यहां पर IPL की तैयारियां शुरू कर दी है। IPL शुरू होने में अब लगभग केवल 1 महीने का समय बचा है, इसी वजह से रैना ने अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की, तो जो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती है दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। दरअसल ऑक्शन से पहले दिल्ली कैपिटल्स की टीम के लिए यहाँ पर अपने ओपनर्स को लेकर 2 बड़ी खबरें निकल कर रही है, जहाँ पर सबसे पहले पृथ्वी शो के फॉर्म को लेकर इस टीम के लिए बड़ी कुछ खबरें निकल कर रही है। कल पृथ्वी शो ने विजय हजारे ट्रॉफी में यहाँ पर 227 रन की यहाँ पर 152 बॉलों में नाबाद पारी खेली है, और पिछले साल जो दिल्ली कैपिटल्स के लिए पृथ्वी शो फ्लॉप रहे थे, उन्होंने अब अपनी टेक्निक पर सुधार कर लिया, नई टेक्निक के साथ इन्होंने कमबैक किया है और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा इनका। अब तक ये 2 शतक इस टूर्नामेंट में लगा चुके हैं, जबकि अब तक इस टूर्नामेंट के हुए 3 मुकाबलों में शिखर धवन का यहाँ पर काफ़ी खराब फॉर्म रहा है। आप इनके स्कोर अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे,
होंगे, 3 मैचों में कुल 6 रन अब तक इन्होंने बनाए हैं। तो कुल मिलाकर अब इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज में अगर शिखर धवन का अच्छा प्रदर्शन होता है तो पृथ्वी शो और शिखर धवन के फॉर्म से ये टीम कुछ होगी। लेकिन अब यहाँ पर IPL से पहले पृथ्वी शो का फॉर्म में आ जाना इस टीम के लिए एक बड़ी खुशखबरी बन चुकी है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पांचवी बड़ी खबर की, तो जो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है रोड सेफ्टी टूर्नामेंट को लेकर। दरअसल आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो 5 या फिर 4 मार्च से ये टूर्नामेंट शुरू होगी। इस टूर्नामेंट के लिए यहाँ पर इंडियन लेजेंड्स का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। आप उन सभी प्लेयर्स के नाम अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो कि टीम इंडिया की तरफ से इस टूर्नामेंट में खेलेंगे, इस टूर्नामेंट में हमें खेलते हुए देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर अब लगभग 3 से 4 दिन बाद ये टूर्नामेंट शुरू हो जाएगी और यहाँ पर एक बड़े बड़े दिग्गजों के साथ हमें मैचेस देखने को मिलेंगे। वैसे आप कमेंट करके बताइए आप इस टूर्नामेंट को लेकर एक्साइटेड हो या फिर नहीं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर छठी बड़ी खबर की, तो जो छठी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है LXL की तरफ से। दरअसल IPL 2021 के ऑक्शन में किसी भी टीम ने LXL को परचेस नहीं किया था, लेकिन ऑक्शन की समाप्ति के बाद अब यहाँ पर PSL में खेलते हुए LXL ने महज 1 ओवर में 29 रन बना दिए, जबकि PSL में इनका फॉर्म काफी अच्छा रहा है। अब तक इस टूर्नामेंट में ये काफी अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हो सकता है ऑक्शन में टीमों ने इनको ना परचेस करके एक बड़ी गलती करी है। पिछले 6-8 महीनों 1-1.5 साल से ये हर जगह जाकर हर जगह काफी अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग कौन सी टीम को आखिर ऑक्शन में इनको खरीदना चाहिए था, और आपके अकॉर्डिंग क्या ये यहाँ पर रिप्लेसमेंट बनकर IPL 2021 के सीजन में कमबैक कर पाएंगे या फिर नहीं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सातवीं बड़ी खबर की, तो जो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज को लेकर। दरअसल इंडिया और इंग्लैंड के बीच हुए 3रे टेस्ट मुकाबले में यहाँ पर टीम इंडिया ने इंग्लैंड को काफी आसानी से इस मुकाबले में हरा दिया था। महज 1.5 से 2 दिन में मुकाबला समाप्त हो गया था। हालांकि यहाँ पर इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटरों ने इस मुकाबले में बनाए गए पिच की यहाँ पर काफी अधिक आलोचनाएं करी है, लेकिन इसके बावजूद अब यहाँ पर टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल में 1 पर आ चुकी है। इसके साथ ही अब इस सीरीज का जो आखिरी मुकाबला बचा है उस मुकाबले में या तो टीम इंडिया को मुकाबला जीतना होगा या फिर वो मुकाबला ड्रॉ कराना होगा। अगर टीम इंडिया ड्रॉ कराने में भी सक्षम रहती है तो यहाँ पर 18 जुलाई को होने वाले फाइनल में हमें टीम इंडिया खेलती हुई दिखेगी। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर टीम इंडिया अब यहाँ पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल पाएगी या फिर नहीं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की, तो जो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है आकाश चोपड़ा की तरफ से। दरअसल कल यहाँ पर इंडिया इंग्लैंड के मुकाबले में कॉमेंट्री करते हुए आकाश चोपड़ा ने यहाँ पर अपनी इच्छा व्यक्त की है कि वो ऑप्शन में बैठना चाहते हैं, वो किसी ना किसी IPL टीम का भाग होना चाहते हैं, यानी किसी ना किसी टीम के कोचिंग स्टाफ का वो भाग होना चाहते हैं ताकि वो IPL ऑप्शन में आकर यहाँ पर टीमों की स्ट्रेटजी बना सके, टीमों को प्लेयर्स रिकमेंड कर सके जिन प्लेयर्स को टीमों को परचेस करना चाहिए। VVS लक्ष्मण को उन्होंने ये बात कही थी। इससे ये स्पष्ट होता है कि शायद हैदराबाद की तरफ से अब अगले IPL एडिशन में यहाँ पर आकाश चोपड़ा हमें काम करते हुए दिखे, क्योंकि अगले साल मेगा ऑप्शन होगा, टीमें 3 साल के लिए अपनी रणनीतियाँ तैयार करेगी। इसी वजह से हो सकता है कि IPL 2021 के सीजन की समाप्ति के बाद अब आकाश चोपड़ा या तो हैदराबाद की टीम से या फिर किसी ना किसी टीम की तरफ से अब यहाँ पर कोचिंग स्टाफ में जुड़ जाए। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आकाश चोपड़ा को कौन सी टीम के कोचिंग स्टाफ में जुड़ना चाहिए, और आपके अकॉर्डिंग अगर आकाश चोपड़ा यहाँ पर किसी टीम से जुड़ते हैं तो उस टीम को फायदा होगा या फिर नहीं। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।